हेलो गाइस, दिस इज विशाल शर्मा। वेलकम टू द अनअकैडमी यूट्यूब मैकेनिकल चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे और आपका रिवीजन भी बहुत अच्छे से चल रहा होगा। मैं आपका सभी का स्वागत करता हूं हमारे अनअकैडमी यूट्यूब चैनल पर। तो जल्दी से गाइस, अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तो सबसे पहले आप अपनी अटेंडेंस दीजिए। अटेंडेंस इन द सेंस, आपको सबसे पहले लाइक बटन पर क्लिक करना है, इस वीडियो को लाइक कर लेना है ताकि ये वीडियो आपकी प्लेलिस्ट में सेव हो जाएगी और आपको बार बार वीडियोस को सर्च नहीं करना पड़ेगा। सो दिस इज अवर थर्मोडाइनमिक क्रैश कोर्स सेशन। इसमें हम थर्मोडाइनमिक्स का क्रैश कोर्स आपको प्रोवाइड कर रहे हैं एंड सम स्टूडेंट हु आर आस्किंग सो मेनी टाइम्स, मैं उनको बता चुका हूँ कि जो थर्मोडाइनमिक्स हमने यहाँ यूट्यूब पर पढ़ाया है प्लस जो मैंने आपको स्पेशल क्लासेस में पढ़ाया है वहां से आपका थर्मोडाइनमिक्स मोर देन 80% कवर हो चुका है। रिमेनिंग पार्ट जो है वो आप इस क्रैश कोर्स के माध्यम से कवर कर सकते हैं और जो ऑलरेडी मुझसे थर्मोडाइनमिक्स पढ़ चुके हैं तो वो भी इस थर्मोडाइनमिक्स के क्रैश कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। और ये मेरा वादा है, ये मेरा प्रॉमिस है कि इस क्रैश कोर्स में डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ नया मिलेगा, बिकॉज मैं कोशिश करता हूँ कि मेरी जो भी हर क्लास हो मैं उसमें कुछ ना कुछ नया एड ऑन करता रहूँ, कुछ ना कुछ नया एड ऑन करता रहूँ। तो ऐसा मत समझिएगा कि आप थर्मोडाइनमिक्स की क्लास ले चुके हैं तो इस क्लास से आपको कोई भी बेनिफिट नहीं होने वाला है। इट विल बी लाइक ए रैपिड रिवीजन माय डियर, ये आपकी क्लास एज ए रैपिड रिवीजन की तरह काम करेगी और इस टाइम में ये आपके जितने भी कॉन्सेप्ट्स है उन सभी को ब्रश अप कर देगा। ओके गाइस, तो सबसे पहले आप अपनी अटेंडेंस दीजिए। अटेंडेंस का मतलब है इस वीडियो को आपको लाइक करना है और लाइक करने के बाद इस वीडियो को आपको फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे, जहां भी आप सोशल मीडिया में कनेक्टेड है वहां पर इसका लिंक शेयर करना है। लिंक शेयर करने से क्या फायदा होगा? लिंक शेयर करने से ये फायदा होगा कि हमारी जो ये आपकी फैमिली है, हमारी जो ये आपकी फैमिली है, आप हैं, हमारी फैकल्टी की टीम है, सो वी आर ऑल द टीम। ऐसा नहीं है कि यहाँ पर जो 8 फैकल्टीज आपको नजर आ रही है ये 8 फैकल्टी ही मैकेनिकल की टीम है, नहीं। आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं यू आर ऑल्सो पार्ट ऑफ अवर टीम, तो हमें हमारी टीम को बड़ा करना है, ठीक है, हमें हमारी टीम को बड़ा करना है, हमें हमारे चैनल को नंबर 1 तक पहुंचाना है, तो उसमें मुझे आप सभी का सपोर्ट चाहिए। आपको इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है ताकि जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं वो सभी इस चैनल से जुड़े। जितने भी मैकेनिकल इंजीनियर्स हैं जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनको इस चैनल के बारे में नहीं पता है, उन तक ये चैनल पहुंचना चाहिए और शेयर करने में बिल्कुल भी शर्म नहीं करनी, बिकॉज ये एक नॉलेज है और जितना आप नॉलेज बांटोगे, जैसे मैं आपको नॉलेज दे रहा हूँ, आप आगे इस वीडियो को शेयर करेंगे तो आप भी तो नॉलेज बांट रहे हैं, तो उससे क्या होगा, कोई लॉस नहीं होगा, वो तो बांटने से बढ़ता है, ठीक है। सो दिस इज विशाल शर्मा एंड टुडे वी विल स्टार्ट अवर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। तो बात करते हैं हमारे सेशंस की। तो हमारे इस यूट्यूब पर अभी क्या क्या सेशंस चल रहे हैं? हमारे जो नेगी सर है, ही इज टेकिंग द फ्लूइड मैकेनिक्स, ये फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ा रहे हैं। पल्लव सर आपको इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं इसी यूट्यूब चैनल पर। आपको सर्वेश सर प्रोडक्शन इंजीनियरिंग पढ़ा रहे हैं और साथ ही साथ ये हमारे ईएससी के प्रीलिम्स में जो आता है आपका प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ठीक है, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, ये सब्जेक्ट भी आपको हमारे सर्वेश श्रीवास्तव सर पढ़ा रहे हैं। आलोक झा सर इज टीचिंग यू द मशीन डिजाइन, कंसेप्ट ऑफ द मशीन डिजाइन। अमित दीक्षित सर आपको इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं। अप्रूप सर आपको स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल के कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रहे हैं और वीरेश सर भी अब हमसे जल्दी जुड़ने वाले हैं और वो अपना सब्जेक्ट इस यूट्यूब पर स्टार्ट करने वाले हैं, तो वो आपके लिए एक सरप्राइज है कि अब एक नया सब्जेक्ट और कौन सा आने वाला है। मैं आपको अभी इस मंथ में थर्मोडाइनमिक्स का क्रैश कोर्स करवाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद मैं आपको आईसी इंजन का क्रैश कोर्स करवाऊंगा। तो ये हमारा 10 डेज में कंप्लीट होगा और ये जो आईसी इंजन वाला है ये हमारा 4 डेज में आपका पूरा का पूरा जो क्रैश कोर्स है ये कंप्लीट हो जाएगा। तो आप सिर्फ, मेरी सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, आपका अगर फ्रेंड कहता है कि व्हाई वी आर गोइंग टू ज्वाइन दिस यूट्यूब चैनल, तो उनको आप ऐसा कहिएगा कि बस एक बार जाके किसी भी फैकल्टी का वीडियो 2 से 3 मिनट देख लीजिए। अगर उसे लगता है कि उस वीडियो से उसको फायदा होने वाला है, उसने कुछ नया सीखा है, तो डेफिनेटली ही विल ज्वाइन। तो ध्यान रखिएगा। एंड सम स्टूडेंट्स जिन्होंने बहुत टाइम बाद प्रिपरेशन स्टार्ट किए और हमारे इस यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं तो वो कुछ सीख रहे हैं, उनको अगर लग रहा है कि यस दिस चैनल इज बेनिफिट फॉर अस,
तो उनके लिए मैं एक इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ, न्यूज देना चाहता हूँ कि अगर आपको चीजें अब समझ में आने लगी है तो माय डियर अब आप सिलेक्शन से दूर नहीं है, बस आपको हार्ड वर्क हमारे साथ करते जाना है। सो दिस इज ऑल अबाउट मी विशाल शर्मा, ठीक है। 4 times आई हैव क्वालिफाइड द गेट एग्जामिनेशन एंड हैविंग द टीचिंग एक्सपीरियंस ऑफ मोर देन 4 years, और मैंने अकेडमिक में और कंपटीशन में भी पढ़ाया है। एंड जनरली जो मैं सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ दिस इज द एनर्जी रिलेटेड पार्ट, ठीक है, दैट इज द थर्मोडायनेमिक्स, पावर प्लांट, आईसी इंजन, रेफ्रिजरेशन, हीट एंड मास ट्रांसफर। तो इफ यू वॉन्ट टू ज्वाइन द अनअकेडमी ऑल्सो, अगर आप मुझ पर अनअकेडमी से जुड़ना चाहते हैं और मोर पर्सनलाइज्ड वे में मुझसे और ज्यादा नॉलेज लेना चाहते हैं, तो हमने वहां पर कोर्स स्टार्ट कर रखा है, दैट इज UPPSC AN। वो पूरा डिटेल्ड कोर्स है माय डियर, वो पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स है, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि UPPSC AN का कोर्स है तो आपके बाकी एग्जाम में बेनिफिशियल नहीं होगा। इस कोर्स के स्ट्रक्चर को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपके आने वाले जितने भी टेक्निकल एग्जामिनेशन है वो सारे के सारे इस कोर्स में कवर हो जाएंगे। जो आपका वाइजैक स्टील है, जो आपका NLC है, ठीक है, और जो आपका SSC JN है, ये तीनों के तीनों एग्जाम इसमें कवर हो जाएंगे। एंड यू कैन ऑल्सो यूज माई रेफरल कोड, दैट इज द Vishal11। सो यू कैन यूज द रेफरल कोड Vishal11 इन कैपिटल लेटर, देयर इज नो स्पेस बिटवीन देम। आप कॉइन्स भी अर्न करते हैं, अपने फ्रेंड को अगर आप रेफर करते हैं तो भी आप कॉइन्स अर्न करते हैं। तो अगर आप उन कॉइन्स को यूज में लेना चाहते हैं तो जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे हैं तो ये आप मेरा कोड भी अप्लाई कर सकते हैं, प्लस आप ये कोड कॉइन्स भी यूज में लेते हैं तो इन कॉइन्स से आप, ये तो 10% डिस्काउंट है ही, इन कॉइन्स के हेल्प से आप और 10% एडिशनल डिस्काउंट ले सकते हैं। सपोज यू आर हैविंग 250 coins, सो यू आर हैविंग द 250 coins, सो दिस 250 coins विल बी इक्विवेलेंट टू 250 rupees। तो 250 rupees आपके सब्सक्रिप्शन लेते समय 10% डिस्काउंट तो होगा ही होगा, 10% डिस्काउंट होने के बाद 250 rupees और डिडक्ट हो जाएंगे। सो इट इज नॉट लाइक दैट कि सिर्फ 10% डिस्काउंट ही है, सो देर आर ऑल्सो मेनी बेनिफिट्स, लेकिन ये आपको तभी पता चलेगा जब आप हमसे अनअकैडमी में जुड़ते हैं और हमारी स्पेशल क्लासेस लेते हैं, तो धीरे धीरे सारी चीजें रिवील होती है। सो वॉट आर द बेनिफिट्स ऑफ द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन? फर्स्ट थिंग इज दैट there will be the daily live session, there will be the daily live session on the fixed time. What do you mean by the fixed time? You will know the timetable of the lecture, aapko lectures ka timetable malum hoga, theek hai, usi ke according aap apni planning kar sakte hain. So this will be very helpful in your planning also. agar aapko pehle se pata hai ki is time ye subject padhaya jayega, is time ye subject padhaya jayega, to usi ke according aap achhi planning karke in a very disciplined manner aap padhai kar sakte hain. Some students are asking that, sir, why we are going to join the plus subscription? Can we qualify the examination with the self-study also? Yes, you can qualify the any examination with self-study. There are many examples, but my dear, agar aap self-study karte hain, to aapko ye pata lagane mein time lag jayega ki kya cheez relevant hai from the examination point of view, aur kya cheez aapko chhodni hai. Theek hai? तो जो आपका 100% जो बुक का होता है वो आपको नहीं पढ़ना होता है। थ्योरी बुक आप लेके बैठेंगे, रेफरेंस बुक आप लेके बैठेंगे, रेफरेंस बुक, सो इस 100% को पूरा नहीं पढ़ना होता है, इसका सिर्फ 30% पार्ट ही आपके फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जाम यूजफुल होता है, जिससे 80% से भी ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो फॉर गाइडेंस आपको किसी ना किसी फैकल्टी की, किसी ना किसी गुरु की रिक्वायरमेंट होती है। सो वी आर गुरुज ऑन द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। So content will be strictly based on the syllabus. तो हम stick to the syllabus रहेंगे, ना ही उससे हम ज्यादा पढ़ाएंगे, ना ही उससे कम पढ़ाएंगे. That will be very useful in your selection. So that's our promise. Get guidance. जैसा कि अभी मैंने बताया कि we are the gurus like, वैसे हम आपके भाई ही हैं. तो as हम guidance आपके लिए act करेंगे under the India's best teacher. तो India's के best teacher का guidance आपको Unacademy Plus subscription पर मिलता है.
क्रैश कोर्स इज ऑल्सो देयर। तो ये जो हमने कोर्स स्टार्ट किया है यूपीपीएससी एएन का, ये जो यूपीपीएससी एएन का कोर्स है, इसको हमने नाम तो क्रैश कोर्स दिया है, बट माय डियर इट इज ए डिटेल्ड कोर्स। ये पूरा का पूरा डिटेल्ड कोर्स है, ठीक है। इस कोर्स में आपको हम पूरा का पूरा सिलेबस कवर करवाएंगे, प्लस दिस कवर इंटायर सिलेबस मच बिफोर द टाइम, सो यू हैव दिस टाइम। अभी आपको कोरोना के लॉकडाउन की वजह से टाइम मिला है, सो यू हैव टू यूटिलाइज दिस टाइम, एंड दिस इज द बेस्ट वे टू यूटिलाइज योर टाइम, दैट इज स्टडी। स्टडी करने से आपका ये जो टाइम है बहुत अच्छा यूटिलाइज होगा, और इसका जो आपको फल है जब आप एग्जाम दोगे तब आपको मिलेगा। लेक्चर विल बी बोथ इन हिंदी एंड इंग्लिश। तो जो स्टूडेंट फेमिलियर है इंग्लिश के, दे कैन वॉच द इंग्लिश लेक्चर्स। जो स्टूडेंट फेमिलियर है हिंदी प्लस इंग्लिश बोथ, दे कैन वॉच द इंग्लिश लैंग्वेज, हिंदी लैंग्वेज। सो द कंटेंट विल बी इन द इंग्लिश एंड द एक्सप्लेनेशन विल बी इन द हिंदी प्लस इंग्लिश। सो देयर विल बी टू लैंग्वेज। स्टूडेंट फ्रॉम द साउथ इंडिया, दे कैन ऑल्सो ज्वाइन द अनअकैडमी प्लस। नो डाउट विल बी लेफ्ट, कोई भी डाउट आपका लेफ्ट नहीं होगा, बिकॉज एवरी फोर्थ क्लास इज डेडिकेटेड टू द डाउट, एसेसिबल ऑन द लैपटॉप, कंप्यूटर और सेलफोन। कहीं भी आप इसको कभी भी देख सकते हैं, सो दिस इज द बेस्ट बेनिफिट। और जो स्टूडेंट जिन्होंने प्लस सब्सक्रिप्शन ले रखा है, मेरी राय यही होगी आप उनसे पूछिए कि जो उनको वहां पर मैटर पढ़ाया जा रहा है, जो उनको मैटर वहां पर पढ़ाया जा रहा है वो डिफरेंट है या नहीं, मतलब उसका लेवल क्या है, किस तरीके से उनको पढ़ाया जा रहा है। तो आप अपने खुद फ्रेंड से पूछिए कि वहां पर जो पढ़ाई चल रही है ना वो कैसी चल रही है। सो वीकली टेस्ट विल बी देयर, इवन एक एक स्टूडेंट के डाउट पर फोकस किया जा रहा है, एक एक स्टूडेंट। सो देयर विल बी द डाउट सेशन, जैसा कि मैंने बात किया था। सो टेस्ट सीरीज आर ऑल्सो अवेलेबल देयर, तो आपका उससे टाइम मैनेजमेंट होगा, आपका उससे क्या होगा, टाइम मैनेजमेंट होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अनअकैडमिक प्लस सब्सक्रिप्शन, व्हाट आर द बेनिफिट ऑफ दिस। Now, my dear, let us start our chapter, that is the first law of thermodynamics, which is very important and very beautiful chapter. इस chapter को पढ़ने के बाद आनंद ही आनंद आएगा। तो guys, सबसे पहले जिन्होंने अभी तक like नहीं किया है, video को like जरूर करो, फटाफट video को like करो, फिर हम इस session को start करते हैं। First law of thermodynamics. First law of thermodynamics. अब हम धीरे धीरे इन चीजों को पढ़ेंगे। सबसे पहले जब भी मैं कोई लॉ लिखूंगा तो उसके ब्रैकेट में कुछ ना कुछ मैं उसमें लिखता हूं। जैसे zeroth law of thermodynamics will give the concept of the temperature, उसी तरीके से first law of thermodynamics को किन नामों से जाना जाता है और ये किस काम में आता है, इसकी क्या एप्लीकेशन है, प्रोसेस के लिए क्या एप्लीकेशन है, साइकिल के लिए क्या एप्लीकेशन है, इसको यूज में कैसे किया जाता है और इससे हम किन किन कंक्लूजंस तक पहुंचते हैं। अब देखिए, ये जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स है, इसे हम कहते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। So this is its first name. Dusra name kya hoga iska dekhi. It is also known as quantitative law. It is also known as quantitative law. Isse hum quantitative law bhi kehte hain. Isse hum law of conservation of energy bhi kehte hain. Law of conservation of energy bhi kehte hain. To jo ye aapka first law hota hai, iski do definition hoti hai. एक डेफिनेशन तो आप स्कूल में पढ़ते हो 10th क्लास में, दैट इज एनर्जी कैन नेदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, रेदर इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम द वन फॉर्म टू द अनदर। लेकिन जब हम थर्मोडायनेमिक्स में एंटर करते हैं तो इसकी जो फिजिकल मीनिंग है वो तो सेम रहेगी, लेकिन इसकी जो फिजिकल मीनिंग है वो तो सेम रहेगी लेकिन इसकी डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं कि मीनिंग चेंज हो जाएगा, बस डेफिनेशन चेंज हो जाएगी। अब मैं जो फर्स्ट लॉ लिखने वाला हूं, इसको मैं लिखने वाला हूं फॉर द क्लोज्ड सिस्टम। देखिए, एक बात सुनिए मेरी, ये जो आपका फर्स्ट लॉ है ये हम क्लोज्ड सिस्टम के लिए भी पढ़ेंगे, क्लोज्ड सिस्टम के लिए भी पढ़ेंगे, एंड दिस फर्स्ट लॉ विल बी आल्सो स्टडीड फॉर द ओपन सिस्टम,
ये हम ओपन सिस्टम के लिए भी पढ़े, ये हम दोनों के लिए पढ़ेंगे। तो देखो माय डियर, फॉर्मूलेस तो सबको याद रहते हैं, लेकिन उसका यूज कहाँ करना है दैट इज इंपॉर्टेंट। तो सबसे पहले मैं जो फर्स्ट लॉ डिस्कस करने वाला हूँ, दिस इज फॉर द क्लोज सिस्टम, उसके बाद में उसको डील करूंगा मैं फॉर द ओपन सिस्टम, ठीक है। सो दिस विल बी अवर स्ट्रक्चर ऑफ द चैप्टर। ओपन सिस्टम में हम दो जगह जाएंगे, ओपन सिस्टम में हम दो जगह जाएंगे, मतलब दो सब टॉपिक होंगे। एक होगा आपका स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, दूसरा होगा आपका अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन, ठीक है। स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन एंड अनस्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन। तो जब तक हम यहां पहुंचेंगे, एक बार आप फ्लूइड मैकेनिक्स के अपने पास्ट में जाइए और वहां से स्टडी फ्लो को खोज के लाइए कि स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है। बस इतना ही पता करके आना है कि स्टडी फ्लो का मतलब क्या होता है, पूरी गहराई में नहीं जाना है। अब देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे माय डियर हमारे क्लोज्ड सिस्टम के लिए। इन चीजों को ध्यान से समझना जो मैं बोल रहा हूं वर्बली, दीज थिंग्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। नजरें आपकी मोबाइल में होनी चाहिए और कान आपके मेरे मुंह पर होने चाहिए, आंखें मुझे देखती भी होनी चाहिए, ठीक है, मेरी तरफ देखो। अब नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर ए क्लोज्ड सिस्टम, ठीक है। थर्मोडायनेमिक्स में हम जो फर्स्ट लॉ पढ़ेंगे फॉर द क्लोज सिस्टम, इसको जो हम अप्लाई करते हैं, ये हम दो तरीके से कर सकते हैं। इसको हम अप्लाई कर सकते हैं पहले फॉर साइकिल, किसी साइकिल के लिए हम अप्लाई कर सकते हैं। दूसरा हम इसको अप्लाई कर सकते हैं किसी प्रोसेस के लिए, दूसरा हम इसे अप्लाई कर सकते हैं किसी प्रोसेस के लिए। तो अगर हम बात करते हैं सर साइकिल, व्हाट डू मीन बाय साइकिल, साइकिल का मतलब क्या होता है, तो देखो यहां पर आपके अगर पीवी एक्सिस है, यहां पर आपके पीवी एक्सिस है और यहां पर अगर कोई प्रोसेस होता है, ठीक है, देर आर नंबर ऑफ प्रोसेस, सपोज ये एक प्रोसेस है, ठीक है, ये एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी एक प्रोसेस है, ये भी आपका एक प्रोसेस है। सो दिस इज वन, दिस इज टू, दिस इज थ्री, दिस इज फोर, दिस इज फाइव। इफ इनिशियल कंडीशन एंड द फाइनल कंडीशन आर सेम, विच मीन्स इज देयर इन अ क्लोज्ड लूप, एक ये क्लोज चीज हमें मिल रही है, तो इसे हम कहते हैं साइकिल। इसे हम क्या कहते हैं, साइकिल। और किसी साइकिल के लिए, फॉर एनी साइकिल, अभी मैं प्रोसेस की बात नहीं कर रहा हूँ, फॉर एनी साइकिल अंडरगोइंग ए क्लोज्ड सिस्टम, हमारे पास कोई क्लोज सिस्टम है उसके अंदर साइकिल हो रहा है, तो अकॉर्डिंग टू द फर्स्ट लॉ जो आपका नेट हीट इंटरेक्शन होगा, दिस विल बी इक्वल टू द नेट वर्क इंटरेक्शन। नेट हीट इंटरेक्शन विल बी इक्वल टू द नेट वर्क इंटरेक्शन। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सिग्मा क्यू नेट विल बी इक्वल टू सिग्मा डब्ल्यू नेट। अब लिखने के कई तरीके हैं, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ये साइकिल के लिए लिखी है, दिस इज वैलिड फॉर द साइकिल। इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट विल बी इक्वल्स टू, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ हीट विल बी इक्वल्स टू साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क, साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ वर्क। एंड वी नो दैट हीट और वर्क क्या है माई डियर। सर ये जो आपके हीट एंड वर्क है, ये है आपके पाथ फंक्शंस, दीज आर द पाथ फंक्शंस। और जो पाथ फंक्शंस होते हैं वो आपके कैसे डिफरेंशियल्स होते हैं, सर वो हमारे इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स होते हैं, दीज आर द इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल्स। तो माय डियर इस तरीके से एक फ्लो डायग्राम बनेगा। तो यहां पर जो भी चीजें आपको नजर आ रही है ना, इट विल बी इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स, इट विल बी द फॉर्म ऑफ शॉर्ट नोट्स। तो मैं जो कुछ बोल रहा हूँ वो आपको अपने दिमाग में घुसाना है, समझ लेना है अच्छे तरीके से। जो मैं बोल रहा हूँ वो सारा मैं लिख नहीं सकता हूँ, लेकिन जो आपको याद रखना है वो मैं लिख सकता हूँ। तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पर आपको थ्योरी बहुत कम मिलेगा लेकिन समझने के लिए चीजें बहुत ज्यादा मिलेगी। सो देखिए, हीट एंड वर्क आर द पाथ फंक्शन, दीज आर द इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल। सो व्हाट डू मीन बाय द इन एग्जैक्ट डिफरेंशियल, सो फॉर द टाइम सेक आई एम रिमूविंग दिस वन, because I am considering only on the cycle. Dekhiye, what do you mean by the inexact differential? So the variables whose cyclic integral is equals to zero,
they are known as exact, and for inexact, their cyclic integral will not be equals to zero. Therefore, the work and heat are the path function whose cyclic integral is not equals to zero. Therefore, they are known as inexact differential. तो इन्हें हम कहते हैं माय डियर इनएक्जेक्ट. एग्जैक्ट किसको कहते हैं, देखो चलो लिख ही लो यहां पर, कुछ वेरिएबल्स जिनका साइक्लिक इंटीग्रल जीरो के इक्वल होगा, दे विल बी नोन एज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल. दे विल बी नोन एज ए एग्जैक्ट डिफरेंशियल. इस इक्वेशन से मैं लिख सकता हूं साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा क्यू माइनस साइक्लिक इंटीग्रल ऑफ डेल्टा डब्ल्यू विल बी इक्वल्स टू जीरो. Will be equal to zero. अब मन में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि सर ये Q net और W net का मतलब क्या? यहाँ बेटा बताओ प्रोसेस कितने हैं? 1 to 2, 1 to 2, 1 3 to 4, 3 4 to 5, 4 5 to 1, 5. तो इसमें आपके पांच प्रोसेस हैं. इन पांच प्रोसेस में जो आपका नेट नेट इंटरेक्शन हो रहा है ना, नेट मतलब सपोज आई एम हैविंग जीरो रुपीज, आई एम हैविंग जीरो रुपीज and someone gave me 100 rupees and I gave 20 rupees to my brother. Someone gave me 100 rupees and I gave 20 rupees to my brother. How much rupees will I left? I will left the 80 rupees. कैसे calculate किया? 100 रुपए 100 rupees minus 20 rupees will be equals to 80 rupees. It will be equals to 80 rupees. On the same hand, some energy will come into the system, some energy will left from the system. So the net energy interaction in the form of heat and work, they are equals to each other. तो इस equation को my dear मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ? ये जो तीनों equation हैं, अब देखो इसको मैं कैसे लिखता हूँ? देखो Q1 to 2 plus Q2 to 3 plus Q3 to 4 plus Q4 to 5 प्लस Q5 to 1 एंड दे आर इक्वल्स टू व्हाट? ये किसके इक्वल होंगे? सर ये इक्वल होंगे W1 to 2 प्लस W2 to 3 प्लस W3 to 4. मेरे साथ बोलो, ये बोलो मेरे साथ, ये W4 to 5 प्लस W5 to 1. एंड देर आर सम प्रोसेस जिनमें हीट नहीं होगा, उसको हम जीरो कर देंगे. कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिनमें हीट सिस्टम के अंदर आएगा, उसे हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे. कुछ हीट ऐसी होगी जो सिस्टम से बाहर जा रही होगी, उसे हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे. वर्क में आइए, कुछ सिस्टम ऐसे होंगे, कुछ प्रोसेस ऐसे होंगे जिनमें वर्क नहीं होगा, उसको हम जीरो ट्रीट करेंगे. अगर वर्क प्रोड्यूस कर रहा है वो प्रोसेस, तो हम पॉजिटिव ट्रीट करेंगे. अगर वर्क आपका एब्जॉर्ब हो रहा है तो उसे हम नेगेटिव ट्रीट करेंगे. सो दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स विच इज एप्लीकेबल फॉर द साइकिल, which is applicable for the cycle. ये cycle के applicable है. पूरी cycle में होने वाला heat का लेन देन, ठीक है, transaction will be equals to पूरी cycle में होने वाला work का transaction. Transaction मतलब credit debit, credit debit, credit debit, credit debit. अब देखिए क्या होता है. अब इसी चीज को अगर मैं किसी process के लिए लिखूं, तो उसको मैं कैसे लिखूंगा my dear? देखिए, किसी प्रोसेस के लिए आपका जो फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स होगा, दैट विल बी इक्वल्स टू डेल्टा क्यू विल बी इक्वल्स टू डी प्लस डेल्टा डब्ल्यू. अब देखिए, डेल्टा क्यू एनर्जी, डेल्टा डब्ल्यू एनर्जी, एनर्जी की इक्वेशन में सब कुछ एनर्जी. दिस इज एनर्जी, दिस इज एनर्जी, दिस विल बी ऑल्सो एनर्जी. लेकिन डिफरेंस क्या है सर? सर ये जो डेल्टा क्यू होती है, ये डेल्टा डब्ल्यू होती है, ये सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस करती है, बट ये वाली एनर्जी सिस्टम की बाउंड्री को क्रॉस नहीं करती. इफ इट इज नॉट क्रॉसिंग द बाउंड्री ऑफ द सिस्टम, दिस एनर्जी विल बी द प्रॉपर्टी. ये एनर्जी क्या होगी? प्रॉपर्टी, वन सेकेंड, ये एनर्जी क्या होगी बेटा आपकी? प्रॉपर्टी. और अगर ये एनर्जी आपकी प्रॉपर्टी है, and we know that properties are the point functions, properties are the point function, तो properties में हमने ऐसी कौन सी energy पढ़ी है, property में हमने ऐसी कौन सी energy पढ़ी है जो point function होती है? Sir, these are the kinetic energy, these are the potential energy,
These are the internal energy that is represented by the U. So what is E? Sir, E is the summation of kinetic energy, potential energy and internal energy. So what will be the DE? Sir, DE is change in energy, which is equals to change in kinetic energy plus change in potential energy plus change in internal energy. I hope it is clear to you. ध्यान रखना, ये वाली इक्वेशन प्रोसेस के लिए लगेगी, ये वाली इक्वेशन प्रोसेस के लगेगी. और प्रोसेस हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? क्यू इनिशियल से फाइनल, डीई इनिशियल से फाइनल, डब्ल्यू इनिशियल से फाइनल. आपका इनिशियल कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी स्टेट हो सकती है. फाइनल आपका कोई भी पॉइंट हो सकता है, कोई भी आपकी स्टेट हो सकती है. तो मैंने आपको ये दो चीजें बता दी है कि आपका फर्स्ट लॉ साइकिल के लिए क्या होगा और प्रोसेस के लिए क्या होगा. साइकिल के लिए क्या होगा, प्रोसेस के लिए क्या होगा. ध्यान रखिएगा कि फर्स्ट लॉ आपको एप्लीकेशन में कैसे यूज में लेना पड़ेगा, किसी भी एप्लीकेशन में आपको कैसे यूज में लेना है, किसी भी सिस्टम के लिए कैसे यूज में लेना है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ेगा. नाउ कम टू द सम रिजल्ट्स व्हिच आर ड्राइव्ड फ्रॉम द फर्स्ट लॉ थर्मोडायनेमिक्स. सो व्हाट इज द फर्स्ट रिजल्ट? आई एम टेलिंग यू वर्बली, दैट इज हीट इज ए पाथ फंक्शन. हीट इज ए पाथ फंक्शन. और अगर आपका हीट पाथ फंक्शन है, अगर आपका हीट पाथ फंक्शन है, तो डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस में जो आपका हीट इंटरेक्शन होगा वो भी डिफरेंट डिफरेंट होगा. सो दिस इज द फर्स्ट रिजल्ट. सेकेंड रिजल्ट इज वॉट? एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी. आपके सिस्टम की जो एनर्जी होती है, जो स्टोर होती है, दैट एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी. एनर्जी इज ए प्रॉपर्टी. What is the third result? Sir, third result is energy of isolated system. Energy of isolated system is constant. Energy of isolated system is constant. अभी मैं इस पे आऊंगा थोड़ी देर में. Fourth one is, sir, PMM1, perpetual motion machine of first kind. Is impossible. Is impossible. Is impossible. इसमें कोई दिक्कत? फटाफट बताओ. Very good. अब देखिए. Now let us consider a system. So this is our system. ये हमारा system है. And this system is producing work continuously. Without consuming any other form of energy. अगर ऐसा होता है तो इस मशीन को हम कहते हैं PMM1. इस मशीन को हम क्या कहते हैं? PMM1. Okay, so if it is producing work continuously without consuming any other form of energy, that kind of machine is known as a perpetual motion machine of first kind. And this type of perpetual motion machine of first kind is impossible. ये बनाना ही possible नहीं. अरे भाई, बिना कुछ खाए, बिना कुछ खाए है, कुछ काम कर सकते हो क्या? Exercise कर सकते हो क्या? कितने दिन तक करोगे? नहीं कर पाओगे. Continuously work produce नहीं कर पाओगे. अरे जब तक energy का intake नहीं होगा, तब तक कोई muscular energy से work कर ही नहीं पाएगा. तो energy intake is very important. Without energy intake, you cannot do work. You cannot do work. Without energy intake, you cannot study. You cannot study. खाना तो खाना ही पड़ेगा. इसलिए अगर कोई ऐसी मशीन बता देता है, बना देता है, जो impossible है, तो वो तो भैया कार्नोट को भी fail कर देगा. It is impossible. So that's why thermodynamics is important. You have to know what is possible, what is impossible. What is possible, what is impossible. अगर आप अपनी पूरी लाइफ पीएमएम बनाने में लगाओगे तो कभी नहीं बना पाओगे. इतना हार्ड वर्क तो वेस्ट गया. तो पता ही है जब पीएमएम नहीं बन सकता तो क्यों बनाए. सॉरी, तो क्यों बनाए. तो ये चीज आपके मन में होनी चाहिए. नाउ कम टू द एनर्जी ऑफ द आइसोलेटेड सिस्टम इज कॉन्स्टेंट. सो सर, आइसोलेटेड सिस्टम इज वॉट? सपोज वी आर हैविंग सम सिस्टम एंड there is no energy interaction, energy can neither come out from the system
नॉर एनर्जी कैन गो इन टू द सिस्टम, ठीक है, इट कैन नॉट डिलीवर द वर्क, इट कैन नॉट रिसीव द वर्क एंड नो मास विल बी ट्रांसफर टेकिंग प्लेस. दिस टाइप ऑफ सिस्टम इज बीन नोन एज आइसोलेटेड सिस्टम. ओके, सो हाउ कैन वी अचीव ऑन द आइसोलेटेड सिस्टम? लेट अस अज्यूम दिस सम सिस्टम हेयर, दिस इज अवर सिस्टम एंड another thing is surrounding. So this will be our surrounding. This will be our surrounding. So this blue color, yellow color one is surrounding. So what do you mean by surrounding, sir? Surrounding क्या होता है? जहां तक सिस्टम का इफेक्ट होता है, जहां तक सिस्टम का इफेक्ट होता है उसे हम कहते हैं surrounding. Now what I am going to do now, I am taking the surrounding and the system as a whole, as a one system. Surrounding plus system. अरे ये कोई मेरा है, suppose ये है मेरा दिल्ली, दिल्ली 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 दिल्ली. Okay, so the effect of the Delhi जहां तक होता है उसे हम कहते हैं surrounding. Delhi is my system. Now what I'm considering now, I'm considering this Delhi plus surrounding as my whole system, as my whole system. So this will be my whole system. क्या ये heat इस surrounding की boundary को cross करता है? No. क्या कोई एनर्जी सराउंडिंग की बाउंड्री से अंदर आता है? नो. सो देयर इज नो एनर्जी इंटरेक्शन. क्या कोई मास सिस्टम से सराउंडिंग में आता है? यस. क्या कोई मास सराउंडिंग से सिस्टम में जाता है? यस. लेकिन क्या कोई मास सराउंडिंग से बाहर आता है? नहीं. ये अंदर जाता है? नहीं. सो दिस सिस्टम प्लस सराउंडिंग कंसिडर्ड एज अ यूनिवर्स विच विल बी एक्ट लाइक एज अ आइसोलेटेड सिस्टम. इसको हमने नाम दे दिया. ये पूरा ब्रह्मांड नहीं है. जहां तक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग. जहां तक इफेक्ट प्रोड्यूस होता है उसे हम कहते हैं सराउंडिंग. सिस्टम प्लस सराउंडिंग, इसको हमने नाम दे दिया यूनिवर्स. इसको हमने नाम दे दिया यूनिवर्स. तो यूनिवर्स एक ऐसा सिस्टम है आपका जिसमें ना ही कोई एनर्जी का इंटरेक्शन है और ना ही कोई मास का इंटरेक्शन है. ना ही कोई एनर्जी का इंटरेक्शन है, ना ही कोई मास का इंटरेक्शन है. एंड वी नो दैट फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स दैट डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू डी ई प्लस डेल्टा डब्ल्यू. DE plus delta W. For isolated system, delta Q is equals to zero and delta W will be also equals to zero. ये किसके लिए है? For isolated system. It is for isolated system. ठीक है? If these two are equals to zero, so the value of DV, DE also equals to zero. So the value of E final, what is D? D is the change. Change is final minus initial. So E final minus E initial will be equals to zero. That means E final will be equals to the E initial. E is the energy. E is the energy. Energy which is stored in the system. Energy which is stored in the system. E. What is this E? E is the summation of kinetic energy, potential energy, and internal energy. So, dekho. If E final is equals to initial, so we can say that E is constant. So, energy of the universe is constant, which means energy. Of isolated system is constant. Energy of isolated system is constant. तो ये चीज सबके क्लियर हुई? बोलो बे, ये चीज क्लियर हुई कि नहीं? Yes, very good. Now come to the open system. ये हमने पढ़ा था हमारा क्लोज सिस्टम के लिए. साइकिल के लिए भी पढ़ लिया, प्रोसेस के लिए भी पढ़ लिया. Now come to the open system. Open system. ओपन सिस्टम में हम क्या करेंगे? देखिए, वी हैव टू कंसीडर अ सिस्टम. सो सपोज दिस इज अवर सिस्टम. ओके, दिस इज अवर सिस्टम. दिस इज अवर सिस्टम. अरे थोड़ा टाइम तो लगेगा भाई बनाने को, वेट तो करो. दिस इज अवर सिस्टम. बेसिकली दिस ओपन सिस्टम इज नोन एज अ कंट्रोल वॉल्यूम. This is known as a control volume. This is known as a control volume. This is the inlet of the system. That is considered as one. This is the exit of the system. That is considered as a two. Now let us assume first that this system is our steady flow system. Steady flow open system.
स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम ओहो स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम व्हाट डू मीन बाय द स्टडी फ्लो याद आ गया क्या व्हाट डू मीन बाय स्टडी फ्लो अभी बोला था ना एफएम का सपना देके आने को एफएम का सपना देके आने को यस व्हाट इज स्टडी फ्लो एनर्जी सिस्टम सर स्टडी फ्लो एनर्जी सिस्टम और स्टडी फ्लो ओपन सिस्टम इज अ टाइप ऑफ द सिस्टम इन विच मास फ्लो रेट एट द एंट्री ऑफ द सिस्टम इज इक्वल टू द मास फ्लो रेट एट द एग्जिट ऑफ द सिस्टम which means the properties is not a function of time so how can we understand this so let us have some pipe here so this is our pipe and this is our section suppose this is the section AA and you are standing here okay you are standing here You are smiling and you have a watch. So at 10 a.m. at 10 a.m. okay, you find that the velocity at this section is 2 m/s. Okay, you say at 10 a.m. I found out that the velocity is 2 m/s. Now what will happen at 11 a.m. So at 11 a.m. again you find the velocity to be 2 m/s. So you are saying that velocity is not changing with respect to time. Yes, that type of system will be known as a steady flow system. And that type of flow is also known as a steady flow. If it is varying with respect to the time, and if you found that velocity to be 2 m/s at the 10 a.m, if you found the velocity will be 3 m/s or 1 m/s at the 11 a.m, so that system will be known as a unsteady. But if velocity is not varying with respect to the time, which means properties are not function of time. Velocity is also property. So the measurable properties is used in your thermodynamics. Okay, what is property? So property is characteristic of system. No, this is not definition. Measurable characteristics of the system is known as a property. Color is not measurable, but still it is a characteristics of the system. Which tells the behavior of the system. Now come to this part. So if the mass flow rate at the entry and the mass flow rate at the exit of the system are equal, तो वो आपका system होगा steady flow open system. तो अगर mass flow rate equal है, ये this is the example. What is mass? Sir, mass is the property, velocity is property, enthalpy is property, entropy is property, everything is property. जो भी properties है, time के साथ vary नहीं करती है at a particular section. तो उसे हम कहेंगे स्टडी फ्लो सिस्टम विच मीन्स एनर्जी गोइंग इनटू द सिस्टम इज इक्वल्स टू एनर्जी कमिंग आउट फ्रॉम द सिस्टम नाउ लेट अस अज्यूम सम हीट इज गोइंग पर सेकंड इनटू द सिस्टम एंड दिस इज डिलीवरिंग द वर्क पर यूनिट टाइम सो दिस इज द डब्ल्यू डॉट एंड दिस इज द क्यू डॉट नाउ हाउ मेनी टाइप्स ऑफ एनर्जी कैन ए फ्लोइंग फ्लूइड कैरी इनटू द सिस्टम कोई एक फ्लूड फ्लो हो रहा है वो अपने साथ कौन कौन सी एनर्जी ले जा सकता है ठीक है सो ही कैन टेक द पोटेंशियल एनर्जी ही कैन टेक द काइनेटिक एनर्जी ओके ही कैन टेक द इंटरनल एनर्जी एज वेल एज द फ्लो वर्क विल बी आल्सो देयर सो नाउ लेट अस अंडरस्टैंड दिस विद इक्वेशन इसको इक्वेशन के साथ हम पढ़ते हैं देखो मास फ्लो रेट एट द एंट्री मल्टीप्लाई विद एनर्जी गोइंग इन टू द सिस्टम First energy is internal energy small u1 plus second energy is sir flow work p2 nu2 plus sir third energy is c1 square divided by 2 sir plus third and next energy the fourth one energy so this is the kinetic energy okay so now come to the next energy. So next energy is the potential energy sir this is the m z z1 we have to eliminate the m from here because we have taken the m dot 1 outside so all these energy are per unit weight plus sir heat is also going into the system so plus q dot and this value will be equals to a very beautiful expression is going to come isko dhyan se karna hai isko hume dhyan se karna hai ab dekho देखो 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 कहां गए ये रहा इट इज इक्वल्स टू एम डॉट टू इन ब्रैकेट
इंटरनल एनर्जी है टू पी टू न्यू टू प्लस सी वन स्क्वायर डिवाइड बाय टू प्लस जी जेड टू प्लस डब्ल्यू डॉट. ऑल दिस एक्सप्रेशन यू आर नो वेरी वेल एक्सेप्ट द सी एंड जेड. सो व्हाट इज सी एंड जेड? व्हाट इज सी एंड जेड? सर सी इज द वेलोसिटी. C is the velocity and Z is the datum. Head. मतलब आपका ये datum से कितना ऊपर है. Suppose now I'm considering the datum here. So how much it is above the datum line? This will be known as a Z. So okay, so this is the potential energy. This is the potential energy. So now come to the units. Units में सबसे ज्यादा mistakes होता है. What is the unit of specific internal energy? Sir, this is kilojoule per kg. Sir, what is the unit of P2V2? So this has to be also in the kilojoule per kg. Sir, what is the unit of M dot 2 C1 square divided by 2? Sir, this is in joule per kg. But in order to convert this unit into the kilojoule, we have to divide it by the 2000. What is the unit of this? So this unit is also in the joule per kg. In order to convert this unit into kilojoule, we have to divide it by the 1000. On the same end, you have to do here also 1000 and here 2000. Here 2000. This equation can be also valid for unsteady flow system. How, sir? How it is possible? Now consider. If m dot 1 is not equals to m dot 2. In that condition, you can apply this equation for unsteady flow system. Unsteady flow system. If m dot 1 and m dot 2 are equals to each other, then this equation is become for ye kiske liye ban jayega? This equation will become for steady flow system. If m dot 1 is equals to m dot 2, then this will be the steady flow energy equation. Steady flow energy equation. Now my question is dear. What will be the unit of Q dot and W dot? You have to satisfy this equation. Sir, this is kilojoule per kg. And I will multiply it with the mass flow rate. Sir, this will be in the kg per second. Sir, the unit of the W dot and the Q dot has to be in kilojoule per second. And this will be the kilowatt. Mistake sirf units mein hoga. Aur kahin bhi mistake nahi hoga. To yahan par aapka steady flow, unsteady flow dono complete hota hai. स्टडी फ्लो भी कंप्लीट होता है, अनस्टडी फ्लो भी कंप्लीट होता है. क्लियर है? नाउ लेट अस टेक सम एग्जांपल ऑफ द स्टडी फ्लो सिस्टम. पहला एग्जांपल है आपका नोजल. नोजल में क्या होता है सर? नोजल में हमारी हीट एनर्जी इज कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी, और इन केस ऑफ द फ्लूइड मशीनरी वी कैन से दैट प्रेशर एनर्जी विल बी कन्वर्टेड इनटू द काइनेटिक एनर्जी. Pressure energy will be converted into the kinetic energy. Now let us understand what is the nozzle. Sir, nozzle is like a converging section. Yeh humara a converging section hota hai. So this is one and this is two. Now let us take some assumption. If this nozzle has no work interaction and a change in kinetic energy, change in potential. So it is equal to zero, and the value of C1 is almost equal to zero, which means kinetic energy at the one is almost equal to zero. In that case, your C2 is the velocity at the exit of the nozzle, will be equal to 44.72 under root of delta H. This formula is be valid only when these equations are used, these assumptions are used. But if you are not assuming that kinetic energy at the inlet will be equal to zero,
इन दैट कंडीशन सी वन स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस एच वन इज इक्वल्स टू सी टू स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस एच टू. दिस इक्वेशन हैज टू बी यूज्ड. आपको ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा. अब देखिए दूसरा हम बात करते हैं नोजल डिफ्यूजर का, तो इसी में हो जाएगा. ठीक है, दोनों जो आपके डिवाइस होते हैं, चलो इसी में बताता हूं मैं, डिफ्यूजर इसी में बता दे, कोई बात नहीं, इसी में बता देंगे, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, डिफ्यूजर, डिफ्यूजर में कैसा सेक्शन होता है, देखिए डिफ्यूजर में सिर्फ सेक्शन में बताऊंगा, कुछ ऐसा सेक्शन होता है डाइवर्जिंग सेक्शन का. सो दिस इज द वन, दिस इज द टू, इसमें आपकी प्रेशर एनर्जी इंक्रीज हो जाती है. प्रेशर एनर्जी क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है. तो यहां पर भी आप वही फॉर्मूला लगा सकते हो, सी वन स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस एंथैल्पी एट वन इज इक्वल्स टू सी टू स्क्वायर डिवाइड बाय 2000 प्लस एंथैल्पी एट टू. सो व्हाट आर द अजम्पशंस, डेल्टा क्यू इज इक्वल्स टू जीरो, सिस्टम इज एडियाबेटिक, डेल्टा डब्ल्यू वर्क इंटरेक्शन इज इक्वल टू जीरो, change in potential energy is equals to zero. So with the help of these three assumptions, you have to use this equation. Assumptions are very important. Assumptions are very important. Now come to the third device, that is your turbine. And another one is the compressor. Turbine and compressor. In one word, I can say that turbine se hame milta hai sir W output. और कंप्रेशर में हमें देना पड़ता है W इनपुट. ओके, सो इफ यू आर हैविंग सम डिवाइस, सो सपोज दिस इज द डिवाइस एज अ टर्बाइन. एक्चुअली टर्बाइन का जो साइन होता है वो इस तरीके से होता है, लाइक ए डिफ्यूजर. सो दिस इज टर्बाइन. एंड अगर हम बात करते हैं हमारे कंप्रेशर की, सो दिस इज द कंप्रेशर. और कंप्रेशर का जो साइन होता है वो होता है आपके नोजल की तरह, इस तरीके से. सो दिस इज द कंप्रेशर. नाउ लेट अस कंसीडर दिस एज अ सेक्शन वन, दिस एज अ सेक्शन टू, दिस एज अ सेक्शन वन, दिस एज अ सेक्शन टू. नाउ आई एम गिविंग यू अ वेरी ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट. आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कुछ भी लगाने की जरूरत नहीं. सपोज द एंथैल्पी इज एच वन, एंथैल्पी इज एच टू, एंथैल्पी इज एच वन, एंथैल्पी इज एच टू. नाउ टेल मी गाइस, टर्बाइन इज अ वर्क प्रोड्यूसिंग डिवाइस, सो दिस विल बी द डब्ल्यू ओ. Sir, compressor is a work input device. Sir, this will be the WI. Energy going into the system will be equal to energy coming out from the system. Energy going into the system will be equal to energy coming out from the system. ये वाला आप concept लगाएंगे तो देखो क्या होगा. अगर हम बात करते हैं turbine की, तो turbine में energy कौन सा अंदर जा रहा है? Sir, turbine में energy अंदर जा रहा है H1. और बाहर कौन सा निकल रहा है? Sir, बाहर निकल रहा है W0 plus H2. So what is the W0? So W0 is H1 minus of H2. And in case of the turbine, the value of the H1 will be more than the value of H2. ठीक है? इसमें लगाओ. Energy going into the system. Sir, H1 is going in, WI is going in, only H2 is coming out. So what will be the WI? So WI will be equals to the H2 minus of H1. And in case of the compressor, H2 will be more than the H1. In case of the compressor, H2 will be more than the H1. तो यहाँ से turbine compressor भी हो गया. अब देखो, अब आपकी जो next device आती है fourth number पर, this device is the boiler or evaporator. Boiler or evaporator. Evaporator. ठीक है, देखिए, boiler and evaporator. These two are the heat exchanger. My dear, these two are the heat exchanger. These are the heat exchanger. Okay? पूरा ही लिख लेते हैं. These are the heat exchanger. Heat exchanger में क्या होता है? आपका constant pressure process होता है. Constant pressure process में आपका heat का addition, heat का rejection होता है. तो boiler और evaporator ऐसी device है जिसमें होता है आपका heat का addition. जिसमें होता है आपका heat का addition. फोर्थ अगर हम बात करते हैं हमारे कंडेंसर की या फिर गाड़ी के रेडिएटर की, ये जो दोनों डिवाइस होती है ये भी आपका हीट एक्सचेंजर होती है और इसमें भी कांस्टेंट प्रेशर होता है, लेकिन यहां पर माय डियर हीट रिजेक्शन होता है.
यहाँ पर आपका माइडियर हीट रिजेक्शन होता है। नाउ लेट अस कंसीडर द सिस्टम अगेन। सो दिस इज द बॉयलर, सो दिस इज एच वन, इट इज एब्सॉर्बिंग द हीट, सो दिस इज द क्यू ए, सो दिस इज द एच टू। So what will be the energy going into the system? H1 plus QA will be equals to H2. So QA will be equals to H2 minus of H1. Energy going into the system equals to energy coming out from the system. अंदर जाना बाहर आना एक ही बात है। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं हमारे कंडेंसर की, सो ये कंडेंसर में देखो जा रहा है H1, ये हीट को रिजेक्ट कर रहा है QR, ये बाहर निकल रहा है आपका H2। Energy going into the system H1, बाहर निकलने वाला है H2 plus QR, so this QR will be equals to H1 minus of H2. यहां से देख के बताओ boiler के केस में क्या होगा सर, H2 will be more than H1, condenser के केस में क्या होगा सर, H1 will be more than H2. इस तरीके से आपको questions को solve करना है। Now come to the last two important process which is very important from the examination point of view. इस पर सबसे ज्यादा focus करना है, इस पर सबसे ज्यादा फोकस करना है। कितने हो गए, 4-4 हो गया। 4-4 कैसे हुआ? 4-4 नहीं हुआ भाई, ये 5 है, ये 5 है। अब देखो, अब मैं 6 और 7 ले रहा हूं एक ही साथ, 6 और 7 जो मैं बोल रहा हूं ना उसको ध्यान से सुन लेना, ध्यान से सुन लेना। एक है आपका फ्री एक्सपेंशन, एक है आपका फ्री एक्सपेंशन, ठीक है, और एक है आपका थ्रोटलिंग। फ्री एक्सपेंशन में क्या होता है देखिए, इसे हम कहते हैं अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन, अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सपेंशन। फ्री एक्सपेंशन इज ऑल्सो ए इरिवर्सिबल प्रोसेस, इट इज एन इरिवर्सिबल प्रोसेस, ठीक है। इसमें आपका डेल्टा क्यू जीरो, डेल्टा डब्ल्यू जीरो, चेंज इन इंटरनल एनर्जी जीरो, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जीरो, चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी जीरो, इसमें सब कुछ जीरो होता है, चेंज इन एंथैल्पी, सब कुछ इसमें जीरो होता है, सब कुछ इसमें जीरो होता है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि ऐसा कौन सा प्रोसेस है जिसमें कोई भी एनर्जी में चेंज नहीं आता, दैट विल बी द फ्री एक्सपेंशन, that will the free expansion. Free expansion का मतलब क्या होता है, आपके वैक्यूम में एक्सपेंशन होना, ठीक है, किसमें एक्सपेंशन होना, वैक्यूम में। वन सेकंड, वैक्यूम में एक्सपेंशन, ठीक है। थ्रोटलिंग क्या होता है सर, थ्रोटलिंग होता है फ्लो थ्रू रेस्ट्रिक्टेड पासेज, फ्लो थ्रू रेस्ट्रिक्टेड पैसेज। थ्रोटलिंग जो प्रोसेस है माई डियर, इट इज एन आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस, आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होने के साथ साथ ये भी आपका एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, ये भी आपका एक इरिवर्सिबल प्रोसेस है, और इरिवर्सिबल प्रोसेस होने के साथ साथ ये आपका एडियाबेटिक है, ये आपका एडियाबेटिक प्रोसेस है। तो क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इरिवर्सिबल एडियाबेटिक प्रोसेस कौन सा है, दैट इज द थ्रॉटलिंग। अब आप सोच रहे होंगे सर एडियाबेटिक भी इरिवर्सिबल होता है, यस, एडियाबेटिक कैन बी इरिवर्सिबल एंड एडियाबेटिक कैन बी रिवर्सिबल, ये दोनों होते हैं। कोई भी प्रोसेस अगर हम एडियाबेटिक की ही बात करें तो यहां पर अगर इरिवर्सिबल टर्म यूज में आएगी तो आपका आंसर थ्रॉटलिंग हो जाएगा। अब देखिए यहां पर हमेशा ध्यान रखना, थ्रॉटलिंग प्रोसेस में हमेशा प्रेशर डिक्रीज होता है, थ्रॉटलिंग ऑलवेज रिजल्ट्स इन डिक्रीज इन द प्रेशर, व्हिच मींस हियर विल बी द एक्सपेंशन, यहां पर एक्सपेंशन होगा, और इसका यूज किया जाता है आपका रेफ्रिजरेशन में एज ए एक्सपेंशन डिवाइस, रेफ्रिजरेशन में एज ए एक्सपेंशन डिवाइस के लिए हम थ्रॉटलिंग करते हैं, जिसमें हम फ्लो थ्रू रिस्ट्रिक्टेड प्रोसेस करवाते हैं जो कि आइसेंथैल्पिक प्रोसेस होता है। मतलब आपकी एंथैल्पी क्या होगी, कॉन्स्टेंट, आपकी एंथैल्पी क्या होगी, कांस्टेंट। तो माय डियर यहां पर आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का जो पूरा आपका जो क्विक रिवीजन है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। नाउ कम टू द नेक्स्ट पॉइंट दैट कि व्हाई यू हैव टू जॉइन अस एंड हाउ कैन यू जॉइन विद अस। सो दीज आर द स्टेप्स, ये स्टेप्स आपको देखने हैं,
जाना नहीं है अभी, ठीक है, जाना नहीं है आपको अभी। हाउ टू गेट द अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन। सो फर्स्ट यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप और यू हैव टू गो टू द वेबसाइट। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं वेबसाइट पर जाइए, अगर आप सेलफोन यूज कर रहे हैं देन यू हैव टू डाउनलोड द अनअकैडमी लर्निंग ऐप फ्रॉम द प्ले स्टोर। उसके बाद आपको गोल चूज करना है, गोल इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको ये गोल चूज करना है गेट एंड ईएससी, आपको ये गोल चूज करना है गेट एंड ईएससी। सो दिस इज योर गोल। इसी गोल में हम हमारा यूपी पीएससी एएन का कोर्स लॉन्च किए हैं, इसी गोल में आपको नेगी सर पढ़ा रहे हैं एंड सम अदर फैकल्टीज आर आल्सो देयर हु आर टीचिंग ऑन द अनअकैडमी प्लस। तो नेगी सर आपको थर्मोडायनेमिक्स पढ़ा रहे हैं एंड ही हैज अ वेरी वास्ट एक्सपीरियंस ऑफ द थर्मोडायनेमिक्स, आप उनकी भी क्लास ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर हम बात करें स्पेशल में, स्पेशल में पल्लव सर आपको मैथ्स पढ़ा रहे हैं, आप उनकी भी क्लास देख सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अनअकैडमी प्लस पर अगर आपको बहुत ही ज्यादा पर्सनलाइज मैनर में सर से एकदम पॉइंट टू पॉइंट बात करते हुए थर्मोडायनेमिक्स का आनंद लेना है, ठीक है, अगर आपको यूपीपीएससी एएन में इस बार आपको सिलेक्शन लेना ही है, जो सीरियस स्टूडेंट है, सिर्फ सीरियस स्टूडेंट जिनको किसी भी हालत में मतलब उनके यहाँ गले तक आ रखी है कि हमें इस बार तो सिलेक्शन लेना ही है, पानी यहाँ तक आ रखा है, यहाँ तक आएगा तो मर जाएंगे ना, तो पानी जिनका यहाँ तक आ रखा है ना कि मतलब दो महीना हमें जो मिला है उसको यूटिलाइज करके एक ऑफर लेटर कम से कम एक, मैं तो चाहूंगा हजारों आए, कम से कम एक ऑफर लेटर आपके पास पहुंचना चाहिए। तो उन स्टूडेंट्स के लिए मैं कहूंगा कि यू हैव टू डेफिनेटली ज्वाइन एंड दिस विल बी वेरी बेनिफिशियल फॉर यू। हम सिर्फ यूपीपीएससी एएन को फोकस करके नहीं पढ़ा रहे हैं, मैं पहले कह रहा हूं इट इज अ डिटेल्ड कोर्स, वी आर टीचिंग यू विद रिस्पेक्ट टू द ऑल एग्जामिनेशन, सबको हम कंसिडर करके आपको पढ़ा रहे हैं। आफ्टर दैट व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो फॉर द गेट सब्सक्रिप्शन। आफ्टर क्लिकिंग द गेट सब्सक्रिप्शन अकॉर्डिंग टू यू यू हैव टू चूज द प्लान। एंड माई सजेशन इज वॉट, अगर आप एएन वाला यूपीपीएससी का कोर्स लेते हैं तो यू हैव टू गो फॉर द 3 month। अगर आप गेट और ईएससी भी पढ़ना चाहते हैं सो माई सजेशन इज दैट गो फॉर द 12 month। अगर आपका गेट और ईएससी बड़े एग्जाम जो है, ठीक है, इस पर आप जो फोकस रखना चाहते हैं, आपको क्लास 1 की जॉब चाहिए, ठीक है, पीएसयू में आपको जाना है, आईआईटीज में आपको एमटेक करनी, देन गो फॉर द 12 month। And if you are studying in the second year, third year or final year and you are having the number of attempts, then you should go for the 24 month. 24 month wala aapko plan choose karna chahiye. After that you have to click the continue button. Theek hai. अब जैसे मैंने यह प्लान चूज किया है 12 मंथ का, तो इसका बिलिंग होता है 25,000 का पर मंथ, अगर हम देखेंगे तो 2,083 है, लेकिन 24 मंथ के प्लान में सिर्फ 5,000 का डिफरेंस है। और इस सिर्फ 5,000 के डिफरेंस से आप कोर्सेज को नंबर ऑफ टाइम्स देख सकते हो, नंबर ऑफ टाइम रिपीट कर सकते हो, नए कोर्सेज को देख सकते हो, पुराने कोर्सेज को देख सकते हो, 24 मंथ तक आपको जितना देखना है ना, 24 घंटे देखो आप देख सकते हो, ठीक है, दैट डिपेंड ऑन यू कि आप कितनी मेहनत करना चाहते हो। एक सब्जेक्ट कंप्लीट हो गया, अगर आपको वापस उसको रिवीजन करना है, उसके स्पीड इंक्रीज करके 2 times 1.5 times पे देखो, सो दैट विल बी आल्सो बेनिफिशियल फॉर यू। मैं ऐसा नहीं कह रहा पूरा सब्जेक्ट देखो, कोई टॉपिक अगर समझ नहीं आ रहा उसको आप वापस देख सकते हो, दैट इज अ गुड थिंग। लेकिन ऑफलाइन में ये पॉसिबल नहीं होता कि वही क्लास सेम वापस रिपीट हो जाए, वही क्लास सेम उसी टाइम, हो सकता है वो अगले साल बैच बने तब रिपीट हो, लेकिन उसी टाइम रिपीट होना बहुत ही मुश्किल होता है। एंड एज कम्पेयर टू द ऑफलाइन This fees is very negligible. आपकी जॉब लगने के बाद ये खुद सोचना, आपकी जॉब लगने के बाद, गवर्नमेंट जॉब लगने के बाद, एक मंथ की सैलरी से भी कम फीस में हम आपको 24 मंथ पढ़ा रहे हैं। आपकी एक मंथ की सैलरी होगी 40, मिनिमम बता रहा हूं मैं, मिनिमम, हम तो आपके 30,000 में 12 मंथ से भी ज्यादा, 24 मंथ हम आपको पढ़ा रहे हैं। तो कंपेयर करके देखिए, रियलिटी देखिए, रियलिटी, और ये फैक्ट है, ये दिस इज द फैक्ट। जॉब की आप एक की महीने की सैलरी देखो, इधर आप जो पढ़ रहे हो वो देखो, तो यार महीने की 40,000 सैलरी के लिए कम से कम आप इतना तो स्पेंड कर ही सकते हैं। अगर आपके सपने बड़े हैं तो आपको मेहनत करनी ही पड़ेगी, चाहे आज करो चाहे कल करो, इससे अच्छा है अभी कर लें, इससे अच्छा अभी कर लें क्योंकि हमें टाइम मिला हुआ है। एंड द बेस्ट थिंग इज दैट आप मेरा रेफरल कोड यूज में ले सकते हैं, दैट इज द विशाल 11।
आपको सब कुछ कैपिटल में लिखना है विशाल 11, और जैसे ही आप विशाल 11 अप्लाई करेंगे देन यू विल गेट द 10% इंस्टेंट डिस्काउंट। जैसे मैंने ये चूज किया था, हमारा 12 मंथ का 25,000 का था, तो उसमें आपको 2500 का इंस्टेंट डिस्काउंट मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आपके पास यहाँ पर कॉइन्स, एक कॉइन्स का भी ऑप्शन आएगा, अगर आपके पास कॉइन्स है तो यू कैन ऑल्सो रिडीम दिस कॉइन्स ड्यूरिंग टेकिंग द सब्सक्रिप्शन, तो इससे भी और कम फीस आपका हो जाएगा। तो यहाँ पर आपने विशाल कोड लगाना है, यहाँ पर आपको अप्लाई करना है, तो फीस आपकी यहाँ से कम हो जाएगी। उसके बाद आपको क्या करना है, फी पे करना है। आप डेबिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड के थ्रू पे कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू पे कर सकते हैं, एंड कम टू द बेस्ट थिंग, आप ईएमआई के थ्रू भी पे कर सकते हैं, नो कॉस्ट ईएमआई। ठीक है, इफ यू कॉन्ट पे द फीस वंस एट अ टाइम, 30,000 25,000 फीस देना मुश्किल होता है। आई नो देर आर सम पीपल जो पढ़ना तो चाहते हैं लेकिन फी पे नहीं कर पा रहे, तो उनके लिए बेस्ट ऑप्शन है वो ईएमआई को चूज कर सकते हैं। देर आर ऑप्शन ऑफ द ईएमआई फॉर द 3 मंथ, 6 मंथ, 9 मंथ एंड 12 मंथ। तो आप अपनी फीस को 3 इंस्टॉलमेंट्स में, 6 इंस्टॉलमेंट्स में, ठीक है, 9 इंस्टॉलमेंट्स में, 12 इंस्टॉलमेंट्स में पे कर सकते हैं। ठीक है, इस पर आपको कोई भी इंटरेस्ट नहीं देना है, 0% इंटरेस्ट। लेकिन माय डियर, अगर आप इतने में भी नहीं कर पा रहे हैं तो हो सकता है आपको 18 और 24 मंथ का प्लान चूज करना पड़े, लेकिन उसमें आपको इंटरेस्ट लगेगा, उसमें आपका कुछ ना कुछ इंटरेस्ट इस बैंक के द्वारा लिया जाएगा। लेकिन अगर आप ये प्लान चूज करते हैं तो अनअकैडमी अपनी तरफ से बैंक को इंटरेस्ट पे कर रही है। सो दिस इज द नो कॉस्ट ईएमआई। जैसे आपने देखा होगा कुछ ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं तो वही वाला सिस्टम है आपका। ठीक है, तो इवन 12 मंथ तक आपसे जीरो इंटरेस्ट लिया जा रहा है, एक साल तक आपसे हम इंटरेस्ट नहीं लेंगे, आराम से फी पे करो। तो सपोज आपने 1 ईयर का प्लान लिया, ठीक है, 25,000 का था, उसमें से 2500 उसमें से 2500 आपका लेस कर दो, सो दैट विल बी 22,500 रुपीज। इसको आप 12 से डिवाइड करो, इसको आप अगर मान लो आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं, अगर आप 12 मंथ का प्लान लेते हैं, सो लेट मी चेक फर्स्ट, ₹1875 आपको पर मंथ ईएमआई में देना है। सो इट इज वेरी नेग्लिजिबल अमाउंट, इतना तो आपका ट्रेवलिंग का एक्सपेंस लग जाएगा अगर आप ऑफलाइन क्लास लेने जाते हैं तो। सो ईएमआई ऑप्शन एज वेल देयर, जो मैंने आपको समझा दिया है। सो दिस इज अवर मिशन गेट फॉर द आईएससी 2021 एंड 22। इसका जो सिलेबस है आपको अक्टूबर तक कवर करवा दिया जाएगा, कैसे भी करके। अक्टूबर तक कवर होने का मतलब है नवंबर दिसंबर, सिर्फ इन दोनों मंथ्स में आप रिवाइज जितना चाहे आप रिवीजन कर सकते हो, कोई डाउट आ सकता है पूछ सकते हो, टेस्ट सीरीज दे सकते हो, और जनवरी में आप धमाका कर सकते हो आपके इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जामिनेशन का, और फरवरी में आप गेट में धमाका कर सकते हो। तो गाइस, क्लास को मैं यही होल्ड करता हूँ, फिर मिलेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हमारा सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। ठीक है, तो जिन लोगों ने मेरे थर्मोडायनेमिक्स की क्लास नहीं ली है तो इसी यूट्यूब चैनल पर पूरा थर्मोडायनेमिक्स करवाया हुआ है, प्लस आपको उसके साथ स्पेशल क्लासेस भी देखनी पड़ेगी। एंड यू कैन फॉलो मी ऑन द अनअकैडमी, आप मुझे अनअकैडमी पर फॉलो कर सकते हैं, विशाल शर्मा। ठीक है, और आप जा सकते हैं unacademy.com/@MacVishal। सो MacVishal इज ऑल्सो माई टेलीग्राम चैनल, यू कैन ऑल्सो ज्वाइन देयर, एंड यू कैन ऑल्सो कॉन्टेक्ट मी थ्रू द फेसबुक। अगर आपको कोई भी इशू आता है पेमेंट का, अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं, कोई क्वेरी है आपकी, You can contact me on the Facebook also. Facebook पे भी मेरा नाम है विशाल शर्मा, आप सर्च कर सकते हैं, आपको मिल जाएगा। तो guys, bye bye, take care and best of luck. फिर मिलेंगे हमारे next class में।